हेलो एवरीवन दिस इज शिवांगी वेलकम टू शिव क्लासेस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेंट सिकिंग को तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो रेंट सिकिंग क्या है कि ये एक्ट एक है कि क्या ग्रो करने का जो आपकी एग्जिस्टिंग वेल्थ है उसको ग्रो करने का विदाउट क्रिएटिंग न्यू वेल्थ बिना किसी न्यू वेल्थ को क्रिएट किए हुए एग्जिस्टिंग वेल्थ को बढ़ाना तो रेंट रेंटिंग रेंट सिकिंग जो एक्टिविटी है उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है बाकी की सोसाइटी में तो जो रिज़ल्ट होता है इस एक्टिविटी का उससे क्या होता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी क्या हो जाती है कम हो जाती है जिसके थ्रू रिसोर्सेज का जो अलोकेशन है वो सही तरीके से नहीं होता वेल्थ का क्रिएशन रिड्यूस हो जाता है मीन्स प्रोडक्टिविटी ही नहीं हो रही है गवर्नमेंट का रिवेन्यू कम हो जाता है और क्या बढ़ जाती है इनकम इक्वालिटी in बढ़ जाती है कंट्री के अंदर और जो पोटेंशियल नेशनल है जो राष्ट्र का जो पोटेंशियल है ठीक है वो कम होने लगता है तो एग्जाम्पल क्या है रेंट सीकिंग के जब एक कंपनी लॉबी करती है गवर्नमेंट को किसके लिए ग्रांट के लिए, लिए सब्सिडी के लिए और टैरिफ प्रोटेक्शन के लिए तो जो कंसेप्ट है रेंट सीकिंग का वो डेवलप किया था अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ने गॉर्डन टुलक ने कब 1967 सिक्सटी और उस टर्म को ऑफर एक और इकोनॉमिस्ट एक द्वारा किया गया था यानी क्रूगर के द्वारा तो इसके इसमें जो टर्म जो रेंट है वो रेफ़र किया गया है एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम एक मतलब उसको भी एक सोर्स ऑफ इनकम बोला गया है और इसको इसको कंसेप्शलाइज किसने किया था एडम स्मिथ ने उनके अकॉर्डिंग जो रेंट है वो एक एक्टिविटी है कि भाई एक पर्सन जो है वो अपना रिसोर्स को क्या कर रहा है लैंड कर रहा है किसके एक्सचेंज में कुछ बेनिफिट के एक्सचेंज में तो जैसे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम है प्रॉफिट है वेज है तो रेंट इनसे क्या है कम रिस्की होता है और यहाँ पे लीस्ट लेबर डिमांडिंग सोर्स ऑफ इनकम भी होता है ये तो रेंट सिकिंग जो है वो कोई प्रोडक्टिविटी इंक्रीज नहीं कर रहा है यहाँ पे इकॉनमी के अंदर और दूसरी तरफ देखें ये ईजियर अल्टरनेटिव है कि प्रोडक्शन जो है अल्टरनेटिव टू प्रोडक्शन कि भाई अगर हम प्रोडक्शन के अलावा बेनिफिट अगर ऑब्टेन करना चाहते हैं फाइनेंशियल बेनिफिट उसका अल्टरनेटिव है ये तो जो प्रैक्टिस है वो स्पेशली कब फेवरेबल होती है जब इकॉनमी स्लो डाउन हो रही है रिसेशन आ रहा है जब एक कंपनी ईजिली इंक्रीज़ नहीं कर सकती प्रोडक्शन को तो कॉमनली अगर हम देखें रेंट सिकिंग को एक्टिविटी जो है इनोवेशन को डिस्करेज करती है अगर ये uh, क्या कर रही है न्यू uh, इनोवेशन uh, को डेवलप करने के uh, बजाय यहाँ पे रिवेन्यू मतलब क्या हो रहा है जनरेट हो रहा है uh, तो कंपनी यहाँ पे क्या कर रही है कि वो किस चीज़ में uh, भाई इस चीज़ पर ना ध्यान देते हुए कि मेथड न्यू मेथड लेके के डेवलपिंग न्यू मेथड लेके आए रिवेन्यू जनरेट करने के लिए वो इस चीज़ पे प्रैक्टिस में लगी है कि वो अपना वेल्थ इंक्रीज करे किसके थ्रू रेंट सीकिंग के थ्रू अब रेंट सीकिंग किस के थ्रू कि गवर्नमेंट से ग्रांट्स ग्रांट के थ्रू सब्सिडीज़ के थ्रू या फिर टेरी प्रोटेक्शन के थ्रू तो ये था आपका रेंट सिकिंग का कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप अपनी बुक्स में भी आप पढ़ सकते हैं तो अब आप आपको क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू